गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण में हॉकी पर निबंध पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, और लिखेंगे। तो आज की डेट मेंशन करेंगे, कक्षा कार्य डालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। मनोरंजन के साधनों में खेल कूद का अपना अलग ही आनंद है। मनोरंजन के जो जितने भी साधन होते हैं उनमें जो खेल कूद होता है वो सबसे ज़्यादा पसंद होता है लोगों को, तो बच्चों को विशेषकर। तो इससे चुस्ती फुर्ती तो बनी ही रहती है, शारीरिक विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इनका विशेष महत्व होता है। इससे क्या होता है बच्चों, हमारी चुस्ती फुर्ती बनी रहती है हमारे शरीर में और हमारा शारीरिक विकास होता है, और यह हमारे खेलकूद जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। किसी ने ठीक कहा गया है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग में भी नए विचार, अच्छे विचार आएंगे, ठीक है। आज अनेक प्रकार के खेलकूद प्रचलित हैं। आज देखो बच्चों, दुनिया भर में अनेक प्रकार के खेलकूद प्रसिद्ध हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि। इसमें हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। इनमें समय हमारा जो हॉकी है वो राष्ट्रीय खेल है। हॉकी पुराने और अच्छे खेलों में से एक है, ठीक है। हमारे देश के साथ साथ यह अन्य देशों में भी खेला जाता है। हॉकी का खेल खुले मैदान में खेले जाने वाला खेल है। इस खेल को खेलने के लिए एक लकड़ी की छड़ व गेंद का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, ये जो खेल है वो खुले मैदान में खेला जाता है, और इसको खेलने के लिए क्या होता है कि लकड़ी और छड़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ये हॉकी है, एक लकड़ी की छड़ और एक ये क्या है, गेंद का प्रयोग किया जाता है। हॉकी का खेल भारतीय लोगों को बहुत पसंद आया, ठीक है। जो हॉकी का खेल है वो भारतीयों को बहुत पसंद आया, इसलिए 1928 यानी कि 1928 को 8 से 1956 के बीच हुए ओलंपिक में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। कितने पदक जीते थे? 6 स्वर्ण पदक जीते थे। इसे भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। इस काल को भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। हॉकी खेल में 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो बच्चों की दो टीमें होती हैं, जिसमें क्या कितने खिलाड़ी होते हैं, 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी का एक मैच 60 मिनट का होता है, 60 मिनट यानी कि एक घंटे का होता है, जो कि 15-15 मिनट के क्वार्टर में खेला जाता है, ठीक है। और मैदान के दोनों तरफ गोल बने हुए होते हैं, जो भी टीम अधिक गोल करती है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारा ये हॉकी का निबंध समाप्त हुआ, और हम इसे अपनी कॉपी में साफ और स्वच्छ लिखेंगे, और यहाँ पे एक चित्र भी मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।